हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये आपकी क्लास है और आपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि निवाड़ी जो है हमारा ज़िला बना वो कब बना और किस जिले से अलग होकर पृथक होकर वो नया ज़िला बनाया गया। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कुछ बताया है, कुछ ने तो बिल्कुल भी नहीं बताया। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, प्लीज़ बताया करिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। अभी अभी बताइए चलिए कि निवाड़ी जो हमारा निवाड़ी ज़िला जो लास्ट नया ज़िला बना है वो किस ज़िले से पृथक होकर, किस ज़िले से अलग होकर बना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, जो हमारा निवाड़ी ज़िला है ये आप लोग को मैप में बार बार बोलती हूँ कि आप लोग अपने पास मैप रखा करो, मैप रखोगे तो और ईजी होगा पढ़ने में। जो निवाड़ी है, ये देखिए निवाड़ी है, निवाड़ी जो हमारा बना है वो 1 अक्टूबर 2000, डेट आप देख लेना, 2018 में बना है। और ये टीकमगढ़ ज़िला आप इस साइड देखोगे मैप में, इधर पे ये जो बढ़ा हुआ है इधर ऊपर पे, यहाँ पे टीकमगढ़ किनारे पे होगा, ठीक है। तो टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया है हमारा निवाड़ी ज़िला 2018 में, ठीक है। तो अब ज़िलों की संख्या कितनी हो गई, 51 पहले थे, अब ज़िलों की संख्या हो गई 52, ठीक है। और हाँ, एक प्रश्न और मैंने पूछा था, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो बहुत लोगों ने डाउट है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। एक बार फिर नोट कर लो, 3,08,252 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है, मैं देखना चाहूँगी। मैं अभी कुछ दो चार क्वेश्चन करूँगी जो अभी मैंने कराए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है। मैं देखना चाह रही हूँ कौन से बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, आप लोग ही नहीं पढ़ोगे तो फिर जल्दी कमेंट कीजिए। अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है। और मध्य प्रदेश में जो जिला पुनर्गठन हुआ था, जिला पुनर्गठन में उसमें पहली कमेटी कौन सी बताई थी मैंने, मध्य प्रदेश का जिला पुनर्गठन में पहली कमेटी कौन सी बताई थी मैंने, पहली कमेटी का नाम बताइए। और फिर हाँ, उस साल में दो कमेटियां बनी थी बहुत लोगों को, तो आप दोनों कमेटियों का नाम बता दीजिए। मैंने जिला पुनर्गठन में लास्ट वीडियो में जिला पुनर्गठन में दो कमेटियां बताई होगी, उस सन में दो कमेटियां बनी थी, दोनों कमेटियों का आप नाम बता दीजिए, वो कौन कौन से आयोग थे जिनकी वजह से बना था, अगर सन लिख सकते हैं तो और भी अच्छा है। जी जी, ओके। चलिए फिर अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जिले के बारे में, अब हम पढ़ेंगे संभाग के बारे में। और एक लास्ट जिला आपने आपको छोड़ दिया था, वो कौन सा है, 2018 में लिख लेना, 2018 में बनाया गया जिला निवाड़ी है। और ये निवाड़ी किससे अलग हुआ है, टीकमगढ़ ज़िले से निवाड़ी अलग हुआ है। अगर आप निवाड़ी ज़िला को थोड़ी और डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करना, तो फिर मैं निवाड़ी का थोड़ा और डिटेल बता दूंगी, ओके। तब तक के लिए चलो, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का संभाग, जिले के बारे में पढ़ चुके थे ना, अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो मध्य प्रदेश में टोटल अभी वर्तमान में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं, ठीक है। तो बारी बारी से संभाग पढ़ेंगे और प्रत्येक संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो पढ़ेंगे, ओके। और कुछ दिनों बाद आप लोग का टेस्ट भी होगा, तो आप लोग ये क्लासेस ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही चल रही हैं, क्योंकि अगर आप लोग वन डे एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो इन्हीं में से आ निकल के आता है। झबुआ, जो झबुआ ज़िला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, मान लीजिए आप लोगों को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस बताऊँगी कैसे आते हैं, ओके। देखिए, हमारा पहला जो संभाग है वो कौन सा संभाग है, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं, जबलपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं, है ना। हमने लास्ट वीडियो में ज़िले पढ़े थे 52, आप लोग को टोटल बता दिए क्या क्या से।
अब जबलपुर, जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं? देखिए पहले तो जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पे नहीं लिख रहा होगा तो ये क्या लिखा हुआ है नीचे लिख देती हूँ मैं, सिवनी, ये सिवनी, ये किस, ये जिले किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जबलपुर संभाग के। आपको याद रखना है जबलपुर संभाग के अंतर्गत, मैं प्रश्न भी करूँगी, जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, डिंडौरी, सिवनी, टोटल 8 जिले जो हैं वो हमारे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, डिंडौरी और सिवनी, सिवनी, डिंडौरी, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला और जबलपुर, ये जो 8 जिले हैं वो हमारे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी जबलपुर संभाग का जो मुख्यालय है वो जबलपुर ही है। मुख्यालय क्या है? मुख्यालय भी जबलपुर का, जबलपुर संभाग का जबलपुर है। लिख लीजिए मुख्यालय जबलपुर, जबलपुर संभाग का मुख्यालय क्या है? जबलपुर। इसके अंतर्गत 8 जिले आ रहे हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूँ, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, डिंडौरी एंड सिवनी। ओके, मैं रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, अब चलिए, पहला हो गया सभी का कंप्लीट, जबलपुर संभाग हो गया। अब दूसरा संभाग देखेंगे, दूसरा संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग है। अब इंदौर संभाग में भी हमारे 8 जिले आते हैं, ये 8 कौन कौन से जिले हैं देखेंगे। पहले तो इंदौर खुद है, इंदौर, इंदौर जिला आएगा इंदौर संभाग में। धार, इंदौर के पास है धार। झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, जिनको नहीं पता होगा तो देखिए हम एक संभाग डिवीज़न बना देते हैं और उनमें जिले आते हैं कि ये एरिया आपके संभाग में आएगा, ये एरिया आपके संभाग में आएगा, तो वही हम देख रहे हैं कि किस संभाग में कौन कौन से जिले, कौन कौन से एरिया आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा। मैं आपको फिर बताऊँगी, मैं आपको पेपर कुछ दिनों बाद मैं पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के पुराने एग्जाम के पेपर भी आपको दिखाऊँगी और क्वेश्चंस भी दिखाऊँगी। ओके, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट, इंदौर में, इंदौर, इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, और इनका, इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो इंदौर ही है। लिख लिया आप लोगों ने, इंदौर में 8 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी जो है वो इंदौर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग मैप में जल्दी से देखिए ग्वालियर कहाँ है, अब उसके आसपास के जिले भी आपको पता होंगे। देखिए तो ग्वालियर संभाग में 5 आते हैं, 5 जिले के आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, 5 जिलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं? एक ग्वालियर है, एक शिवपुरी है, दतिया, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में देखिए क्या क्या है, कौन कौन से जिले हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, ये 5 जिले जो हैं वो आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से हैं वो एक बार फिर बताइए मुझे, आप लोग बताइए, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। हो गया, ये हमारे 3 संभाग हो गए। अब चौथा संभाग है हमारा नर्मदापुरम। इस होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद जिला, उसी को नर्मदापुरम कहते हैं, ठीक है, उसी का नाम है। तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में या होशंगाबाद में 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। ये जो नर्मदापुरम है ये होशंगाबाद का ही नाम है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नर्मदापुरम ही होशंगाबाद का नाम है, ठीक है। तो नर्मदापुरम में 3 आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये होशंगाबाद ही क्या है, नर्मदापुरम, इसी का नाम रखा गया, नोट हो गया।
चार, हमने अभी चार 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 पढ़े, चार संभाग पढ़े, नर्मदापुरम, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। जबलपुर में आठ आ गए, आठ जिले शामिल हैं। इंदौर में आठ जिले शामिल हैं, ग्वालियर में पांच जिले शामिल हैं, नर्मदापुरम में तीन जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। अब नेक्स्ट जो संभाग है हमारा वो है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखेंगे हम कौन कौन से जिले आते हैं। एक उज्जैन आ गया खुद, ये क्या लिखा है उज्जैन, ऊपर लिख दूं क्या, दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को उज्जैन। उज्जैन में कौन कौन से आ गए जिले देखिए, उज्जैन में उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, साजापुर, आगरमालवा। ये मैंने कल आपको बताया, तो बताइए, हाँ यहीं पर एक प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कि किस सन में साजापुर को, साजापुर से आगरमालवा को पृथक किया गया था, साजापुर से अलग करके आगरमालवा को नया जिला बनाया गया था, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। कौन सा सन है, कौन से ईयर में साजापुर को आगरमालवा, साजापुर से अलग करके आगरमालवा को नया जिला बनाया गया था। देखिए अभी उज्जैन संभाग में आ रहा है, उज्जैन संभाग में क्या कौन कौन से आ रहे हैं, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, साजापुर और आगरमालवा। कितने आ गए, सेवन। उज्जैन, उज्जैन संभाग में कितने जिले आ गए, काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात, सात जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आ गए। और ये जिले हैं उज्जैन, उज्जैन संभाग में उज्जैन जिला आएगा, रतलाम आएगा, देवास आएगा, मंदसौर आएगा, नीमच आएगा, साजापुर आएगा, आगरमालवा आएगा, ओके। और नेक्स्ट संभाग है हमारा चंबल, कौन सा है नेक्स्ट संभाग, चंबल। अब देखिए चंबल में कौन कौन से तीन जिले आते हैं, चंबल संभाग में तीन जिले आते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं, मुरैना, भिंड, शिवपुर। मुरैना, भिंड, शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुर, इतना हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। चंबल में मुरैना, भिंड, शिवपुर, चंबल संभाग में तीन जिले आते हैं, वो कौन कौन से तीन जिले हैं, मुरैना, भिंड, शिवपुर। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में तो अभी हो जाइए कि बाद में याद करने वाला नहीं, अभी याद करो। मुरैना, भिंड, शिवपुर, ये किस में आ गए आपके, चंबल संभाग में। अब एक और संभाग है, वो कौन सा संभाग है, रीवा संभाग। रीवा संभाग में, रीवा संभाग के अंतर्गत चार जिले आते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अब सिंगरौली जिला कब बना सीधी से पृथक होके, चलिए देख लीजिए 2008 में। चलिए अब रीवा से, रीवा संभाग में चार जिले आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत चार जिले आते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं, एक रीवा है, एक सीधी है, एक सतना है और एक सिंगरौली है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कितने संभाग हो गए आप लोगों के टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अभी सेवन संभाग हुए, अभी मैंने बताया दस संभाग, तो अभी तीन संभाग और बचे ना, एक बार मैं फिर इसे रिपीट करूँ संभाग, क्या आप लोग को समझ में आ गया, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। जबलपुर में जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, सिवनी। इंदौर में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर। ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। ये सब क्या है, ये जिले हैं, और ये क्या है, ये संभाग है, और ये जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। उज्जैन, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, साजापुर, आगरमालवा। चंबल, मुरैना, भिंड, शिवपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ओके। इतना कन्फर्म हो गया आप लोगों का, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, बाकी के संभाग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक संभाग है हमारा भोपाल, भोपाल। अब इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं देखिए, भोपाल अभी हमारे, इसको इरेज कर दूं,
भोपाल अभी जो बचे हुए हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अभी 3-10 मैंने बताया तो 7 बता दिए, और ये जो 3 बचे हैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। भोपाल, सागर और एक और कौन सा संभाग है आप लोगों का? शहडोल, अभी जो लास्ट में बना है शहडोल, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि भोपाल भोपाल संभाग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से जिले आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? मैं लिख देती हूँ फिर मैं साइड, भोपाल, भोपाल तो आएगा ही, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और कौन आता है जल्दी देखिए बताइए, एक और आता है रायसेन। मैप देख रहे हैं आप लोग, मैप से देखते रहिएगा उसके आसपास के कौन से जिले का। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन आ गया दिख रहा है आप लोग, नीचे लिख देती हूँ, राजगढ़, रायसेन, ये सीहोर, ये हम भोपाल भोपाल संभाग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत आ गया आप लोगों के भोपाल, विदिशा, रायसेन, एक सीहोर, ठीक है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर, ये हमारे पांच जो जिले, ये हमारे पांच जो जिले आ गए हैं वो किसके अंतर्गत आ गए, किसके अंतर्गत आ गए? भोपाल संभाग के अंतर्गत आ गए। भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, भोपाल जिला, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर। जो हमारा सीहोर है, आपको मैंने पढ़ाया होगा कि जो सीहोर है उसी से आपका ये भोपाल बनाया गया है ना। चलिए, आप कौन से बचे हमारे दो? सागर और शहडोल। अब ये दो कौन कौन से बचे? ये 7 पढ़ लिए थे आपने, ये 8वां है ना। भोपाल जो है 8वां संभाग है, 7 आप लोगों ने पढ़ा दिए, 7 रीवा तक 7 हो गए ना, ये 8 है, तो भोपाल 8वां। तो भोपाल में 5 जिले आते हैं, 5 जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर। आप पढ़िए, चलिए हो गया इतना, एक बार नोट कर लीजिए, बोल रहे हो तो नोट भी करते जाइएगा। अब आ गया आपका सागर, इसमें आते हैं सागर, दमोह, देखिए कौन कौन सा एरिया मुझे बताइए जल्दी जल्दी, सागर, दमोह, पन्ना और कौन कौन से जल्दी से बताइए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, एक टीकमगढ़ और निमाड़ी। ये देखिए, हमने मध्य प्रदेश संभाग के 10 जिले सॉरी मध्य प्रदेश संभाग में 10 जिले आते हैं, उनमें से ये 9वां है, ये 9वां जिला मध्य प्रदेश संभाग में 10 मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, उनमें से ये 9वां संभाग है। अब हमारा 10वां जो है लास्ट संभाग है उसको बताते हैं। तो देख लीजिए, सागर संभाग में कौन कौन से आ गए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसमें कितने जिले आते हैं, 6 जिले है ना, इसमें कितने हैं, 6 जिले, 6 कौन कौन से सागर संभाग में, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। एक बार फिर, भोपाल में, भोपाल संभाग में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और सागर में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये हमारे सागर संभाग और भोपाल संभाग। अब लास्ट का बचा हमारा शहडोल। हाँ, ये जो नया जिला निमाड़ी आया,
ये नया जिला अभी निवाड़ी बना हुआ, तो आप लोग को नहीं पता हुआ ये किस संभाग में है, तो ये निवाड़ी जो है सागर संभाग के अंतर्गत आता है ना। ये जो 2008 में अलग हुआ टीकमगढ़ से, दो हज़ार अठारह में ये जो जिला बना निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर, तो इसमें कौन सा आ रहा है, किस संभाग में आ रहा है, सागर संभाग में, किस संभाग में आ रहा है, सागर संभाग में। आप देखिए, अब एक लास्ट बचा शहडोल, दसवां नंबर संभाग है शहडोल, ये अभी शहडोल मतलब ये आखिरी संभाग बना था शहडोल। अब ये शहडोल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो नोट कीजिए, ये नोट हो गए, सागर में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये हमारा जो नया जिला बना है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अब शहडोल संभाग में शहडोल उमरिया किस संभाग में है, उमरिया का में कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दी बताइए, उमरिया में फेमस है बाघों के लिए, बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया में, अनूपपुर। ये तीन जिले कौन कौन से हो गए, शहडोल संभाग में तीन जिले हो गए, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। एक बार इधर से देख लीजिए, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, दिख रहा है आप लोगों को, भोपाल, सागर, शहडोल, ये तीन संभाग में ये लिखे हुए हैं उनके जिले कि इन संभागों में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ठीक है, नोट हो गया। शहडोल संभाग में ये छोटा भी संभाग है, तो शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीन जिले आ रहे हैं, भोपाल, सागर, शहडोल, ये तीन संभाग बता दिए, टोटल हो गए आपके 10 संभाग हो गए 10 संभाग। आप देखिए, ये हमारे संभाग हो गए 10 संभाग। अब देखिए, एक संभाग है जिस जो प्रस्तावित है, बना नहीं है पर प्रस्तावित है, वो कौन सा संभाग है, अब इसको मैं इरेज कर दूँ ना, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं बोल भी रही हूँ बार बार, इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको याद भी होता जाए, है ना, याद कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, बाद वाला काम बेकार, अभी काम करो, अभी का सबसे अच्छा, बाद वाला होता ही नहीं है ना। देखिए, ग्यारहवा जो संभाग है वो कौन सा संभाग है, प्रस्तावित है, बना नहीं है, हाँ बच्चों को ये डाउट हो जाता है, जैसे जिले में भी बच्चों को डाउट, हाँ अनाउंसमेंट हो गई थी जिलों की, पर हाँ ये है कि अभी बना नहीं, इसी तरह से ये संभाग भी है प्रस्तावित, मतलब बोला गया है बना नहीं है अभी। छिंदवाड़ा है हमारा, वो ग्यारहवें संभाग में के लिए प्रस्तावित है ना, ग्यारहवें संभाग के लिए प्रस्तावित है, तो ये छिंदवाड़ा है ग्यारहवें संभाग के लिए प्रस्तावित है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, जो छिंदवाड़ा है वो वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है, छिंदवाड़ा जिला ये प्रस्तावित है, बना नहीं है, ग्यारहवें संभाग के लिए यह प्रस्तावित है छिंदवाड़ा, तो ये कमेंट करके बताइए आप कि किस संभाग के अंतर्गत आता है हमारा ये छिंदवाड़ा जिला। अब मैंने आपको सारे संभाग बता दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी, है ना, तो आप पढ़ते रहिए, और जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, प्रश्न करते हूँ, उससे प्लीज़ आप लोग कमेंट क्या करिए, कमेंट करने से आप लोगों को मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बना रही हूँ, ताकि आप लोग के नोट्स बन जाए, अभी लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं चल रही, तो मैं बना रही हूँ वीडियो ताकि आप लोग के नोट्स कंप्लीट होते रहे और आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, ठीक है, ताकि जैसे लॉकडाउन खुले, जैसे एग्ज़ाम आए, तो आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो जाए और सभी कुछ ना कुछ अच्छे पदों पर बैठ जाए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।